नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर जब आप आयुष्मान कार्ड बनाते हैं, चाहे आप सीएससी का क्योस्क चलाते हो या आप कोई भी साइबर कैफे रन करते हैं या अपना आयुष्मान आप खुद बनाते हैं, तो उस स्थिति में देखा यह गया है कि जब आप आयुष्मान कार्ड पोर्टल पर समग्र आईडी से अपना नाम सर्च करते हैं तो उस कंडीशन में आपका नाम नहीं आता है, वहां पर नो रिकॉर्ड फाउंड बताता है। या तो आप समग्र आईडी से चेक करते हैं या तो फिर आप राशन कार्ड से चेक करते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपका नाम नहीं आ रहा है और आपको ये कह दिया जाता है कि आपका जो डिटेल है वो आयुष्मान पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। बट यहाँ पर मैं आज आपको एक सॉल्यूशन बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप केवल नाम से अपना लिस्ट में नाम सर्च कर सकते हैं, आयुष्मान कार्ड की लिस्ट में अपना नाम फाइंड कर सकते हैं और उसके बाद अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि किस तरीके से आप अपना नाम सर्च करेंगे और मैं यहाँ पर आपको एक लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा। मैं ये सारी बातें हवा में नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा, लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, एक नहीं दो दो लाइव प्रूफ दिखाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि उनकी समग्र आईडी का डेटा जब मैंने वहां पर एंटर किया तो वहां पर या तो राशन कार्ड का जो डेटा मैंने एंटर किया तो वहां पर नाम नहीं आ रहा था और वहां पर डेटा या समग्र आईडी नंबर या राशन कार्ड नंबर डालने के बाद वहां पर डिस्प्ले हो रहा था नो रिकॉर्ड फाउंड। बट फिर उसके बाद मैंने नाम से सर्च किया और उनका नाम वहां पर आया और उसके बाद मैंने उनका आयुष्मान कार्ड बनाया और वो मैं सारा प्रोसेस आपको लाइव यहां पर दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, कंप्लीट वॉच कीजिएगा जिसमें आप भी अपना नाम सर्च करके अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं किस तरीके से आपको अपना नाम सर्च करना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर लें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो यहां पर देखिए, हमने सबसे पहले अपना आयुष्मान कार्ड पोर्टल ओपन कर लिया है सीएससी लॉगिन करके। अब यहां पर सेम उसी तरीके से जैसा कि आप आयुष्मान कार्ड बनाते हैं तो सबसे पहले आप सर्च बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे और नॉर्मली एक बार हम सर्च करके देखेंगे अपनी समग्र आईडी से या राशन कार्ड नंबर से। तो यहाँ पर सर्च बेनिफिशियरी पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च पैरामीटर पे आप राशन कार्ड या समग्र आईडी जो भी आपके पास अवेलेबल है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर समग्र आईडी से करने वाला हूँ तो मैं समग्र आईडी यहाँ पर डाल दूंगा। अब यहाँ पर समग्र आईडी का नंबर मैं यहाँ पर डालूंगा और उसके बाद यहाँ पर नंबर डालकर मैं सर्च की बटन पर क्लिक करूंगा और देखूंगा कि इस समग्र आईडी से फैमिली की डिटेल्स ओपन हो रही है नहीं हो रही है। तो ये मैंने यहाँ पर समग्र आईडी डाल दी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए आप सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। तो ऐसा आप बार बार सर्च कर सकते हैं, कई बार नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाता है, बार बार सर्च करते हैं तो आपकी जो डिटेल्स है ओपन हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने 4-5 बार ट्राई किया, वो डिटेल्स ओपन नहीं हो रही। तो यहाँ पर हम सर्च पैरामीटर चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे आप, सेकेंड लास्ट ऑप्शन मिलेगा बाय SCCC नेम, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आप अपना नाम डालकर सर्च करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अपना ही नाम डाल देता हूँ, और भी डिटेल्स यहाँ पर आप डाल सकते हैं बट आप कोशिश करें कम से कम डिटेल्स यहाँ पर डालें, जैसे कि आपका नाम, आपका जेंडर और अपना एरिया हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, जैसे ग्रामीण या शहरी। उसके बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद देखते हैं यहाँ पर कितने रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं 1403 रिजल्ट आए हैं, बट यहाँ पर जो रिजल्ट है वो 100 के अंदर होना चाहिए तभी डिस्प्ले करेगा। तो अब वो कैसे आप करेंगे, उसके लिए आपको कुछ डिटेल्स और डालनी पड़ेगी। जो पैरामीटर्स हैं जो यहाँ पर आपसे डिटेल्स मांगी जा रही हैं तो वहाँ पर कुछ और डिटेल्स आप फिल कर देंगे। डिटेल्स आप वही फिल करें जो एक्यूरेट आपको पता हो या जो एक्यूरेट आपके डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल हो। तो यहाँ पर जैसे कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देते हैं, अपने ज़िले का नाम डाल देते हैं जिसमें से रिजल्ट आने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हमने अपने ज़िले का नाम डाल दिया है। अब वापस से हम सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद हम देखेंगे कितने रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट डिस्प्ले हो चुका है, क्योंकि जो रिजल्ट्स की संख्या है वो यहाँ पर 100 से कम है। तो अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे एप्लीकेंट आ रहे हैं जिनका नाम अंकुर है। तो यहाँ पर उनको सर्च करने के लिए, अपनी डिटेल सर्च करने के लिए आप कंट्रोल F प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप किसी का नाम सर्च करेंगे, जैसे अपनी माता का नाम या पिताजी का नाम सर्च करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी मम्मी का नाम सर्च किया है। अब यहाँ पर हम सर्च करके देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए तीसरी डिटेल जो है वो यहाँ पर तीन लोग हैं जिनकी मदर का नाम सेम है। तो यहाँ पर जो थर्ड वाला है वो मेरा ही डिटेल्स है। तो अब ये डिटेल्स हमारी सामने आ चुकी है। यहाँ पर आप कलेक्ट KYC करके अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। और मान के चलते हैं कि आपकी डिटेल्स अगर अभी भी नहीं आती तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको करना ये होगा, अगर आपका रिजल्ट अभी भी 100 से ज़्यादा आ रहा है तो आप वापस से वहाँ पर जाएंगे और डिटेल्स जो आपसे मांगी जा रही है वहाँ पर आप डिटेल्स और एंटर करेंगे। जैसे कि अपना पिन कोड डाल सकते हैं, तो यहाँ पर हमने पिन कोड डाल दिया है। पिन कोड डाल के आप वापस से सर्च करेंगे तो आपके जो रिजल्ट है वो और फिल्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम सर्च करके देखते हैं आप कितने रिजल्ट डिस्प्ले कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने सर्च किया है
और सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 33 रिजल्ट आए हैं। अभी जो हमारे रिजल्ट आए थे वो 100 थे, तो यहाँ पर जो है हमारे रिजल्ट और फिल्टर हो गए हैं। अब यहाँ सर्च करने में आसानी होगी। देखिए मैं वापस से सर्च करता हूँ तो यहाँ पर सेकेंड नंबर में ही हमारा जो डिटेल है वो फाइंड हो रही है। तो यहाँ पर एक बार आप चेक कर लें आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपकी एज, आपका जेंडर, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स बहुत सारे लोगों की सेम हो सकती हैं। तो आप कहीं भी गलत KYC ना करें, अदरवाइज ऐसे में आपका जो आयुष्मान कार्ड है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आपकी डिटेल्स आ जाएँ, आप कलेक्ट KYC पर क्लिक करें तो इस तरीके से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, जैसे कि नॉर्मली आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है उसी तरीके से। अब यहाँ से आप अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। आयुष्मान कार्ड कैसे बनाना, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब एक बार हम यहाँ पर रिकॉर्ड सर्च करके देख लेते हैं, तो उसके लिए वापस से यहीं पर हम आ चुके हैं और वही पैरामीटर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वापस से मैं आपको एक और यहाँ पर रिकॉर्ड दिखा देता हूँ सर्च करके, जिनका नाम पोर्टल पर नहीं आ रहा था, बट हमने नाम से सर्च किया तो उनका जो रिज़ल्ट है यहाँ पर डिस्प्ले करने लगा। तो यहाँ पर हमने एप्लीकेंट का नाम डाल दिया, उसी तरीके से यहाँ पर हम जेंडर डाल देंगे एप्लीकेंट का, उसका एरिया डाल देंगे रूरल या अर्बन, ग्रामीण या शहरी है। उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो अपने ज़िले का नाम डाल सकते हैं, इसमें सर्च रिज़ल्ट में जो रिज़ल्ट आएंगे वो आपको जल्दी मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप पिन कोड भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपके डॉक्यूमेंट में मतलब सही ही होती हैं, ये गलत होने के चांसेस नहीं हो सकता। आपके फादर नेम या मदर नेम में स्पेलिंग कुछ और डली हो तो सर्च ना हो, तो उस तरीके से आप यहाँ पर अपना केवल वही एड्रेस डालें जो सर्च करने में आसान हो। तो यहाँ पर हमने टेस्ट डाल दी और हमने सर्च किया है। अब सर्च करने के बाद देखते हैं हम हमारा रिकॉर्ड फाउंड होता है या नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर सर्चिंग की जा रही है, सर्च होने के बाद ये देखिए यहाँ पर केवल एक ही रिज़ल्ट आया है और यही हमारा डेटा है। जिस एप्लीकेंट का मैं नाम सर्च कर रहा था ये उसी का डेटा है। अब यहाँ पर आप जाकर इस तरीके से नाम सर्च कर सकते हैं और कलेक्ट KYC पर क्लिक करके उनका आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपके सामने रिज़ल्ट डिस्प्ले होते हैं तो एक बार आप डिटेल में उनको चेक करें, अपना नाम चेक करें, एज चेक करें, जेंडर चेक करें, फादर का नाम, मदर का नाम, क्योंकि सारी डिटेल्स एक सी होना चाहिए तभी आप इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने कलेक्ट KYC करके यहाँ पर आयुष्मान कार्ड बना लिया तो आपका आयुष्मान कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें आयुष्मान कार्ड बनाने से पहले। और बहुत सारे लोगों का मैंने इसमें नाम सर्च किया, मैंने आपको यहाँ पर केवल दो ही डेमो दिखाए हैं, बट यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जिनका नाम नहीं आ रहा था उनका भी मैंने नाम सर्च करके आयुष्मान कार्ड बनाया है। तो आप भी यहाँ से आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। आयुष्मान कार्ड किस तरीके से बनाना, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो देखा दोस्तों, ये था तरीका जिसके माध्यम से आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं आयुष्मान कार्ड पोर्टल पर और अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया है, आपने अपना आयुष्मान कार्ड समग्र ID और राशन कार्ड से सर्च किया है, तो अभी आप CSC केंद्र जाएं या फिर कहीं भी जहां से आयुष्मान कार्ड आप बनवा सकते हैं वहां पर जाएं और अपना नाम से एक बार आयुष्मान जरूर सर्च कराएं। हो सकता है आपका भी नाम वहां पर आ रहा हो और आपका भी आयुष्मान कार्ड आप बनवा सकते हो। तो इस माध्यम से आप आयुष्मान कार्ड अपना बनवाएं, और जैसे ही आपका आयुष्मान कार्ड बन जाता है, आपका नाम आ जाता है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और कोई दिक्कत आती है फाइंड करने में डेटा तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेशन आपके काम आई हो, तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाता हूँ सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके।